सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सी व नब्बे के दशक की सबकी चहेती रह चुकी अभिनेत्री सोनू वालिया का करियर आखिर क्यों बर्बाद हो गया, जबकि ये मिस इंडिया होने के साथ साथ मॉडलिंग से भी अपार सफलता प्राप्त कर चुकी थी। खून भरी मांग जैसी हिट फिल्मों में अभिनय कर चुकी अभिनेत्री सोनू वालिया को काम ना मिलने के कारण बी ग्रेड की फिल्मों में अभिनय कर संतोष करना पड़ा और धीरे धीरे इनका फिल्मी करियर बर्बाद ही हो गया। आमतौर पर इनकी जिंदगी बेहद सुनी रही, लेकिन इन्होंने फिल्में भले ही बी ग्रेड की हों, लेकिन अपनी खूबसूरती से दर्शकों के अंदर वो जगह बनाई जो आज तक कम नहीं हुई। फैंस आज भी इनकी फिल्में देखते हैं। मासूम चेहरे और चुलबुले अंदाज वाली अभिनेत्री सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी 1964 को दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। इनके बचपन का नाम संजीत कौर आलिया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की, साथ ही जर्नलिज्म में भी स्टूडेंट रहीं। पढ़ाई पूरी कर इन्होंने मॉडलिंग में कदम जमाना शुरू किया। सोनू ने जल्द ही मॉडलिंग में सफलता हासिल कर मशहूर हो गई, लेकिन पॉपुलैरिटी की चाह कम नहीं हुई। उसी का नतीजा था कि ये साल 1985 में मिस इंडिया का खिताब जीतने में कामयाब रहीं। जब ये मिस इंडिया बनी तो जूही चावला ने इन्हें ताज पहनाया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जूही चावला इनसे पहले मिस इंडिया चुनी गई थी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मिस इंडिया चुनी जाती हैं उनके लिए बॉलीवुड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और जल्द ही इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिल जाता है। यही सोनू वालिया के साथ हुआ। साल 1986 में इन्होंने नसीरुद्दीन शाह शबाना आजमी के साथ फिल्म साठ में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दी, लेकिन 1988 में इन्होंने बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म खून भरी मांग में रेखा और कबीर बेदी के साथ अभिनय कर सबको चौंका दिया। ये इनके करियर की सबसे सफल फिल्म थी। सोनू रातों रात सुपर स्टार बन गई। इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1988 में ही इन्होंने बी आर चोपड़ा का टीवी सीरियल धारावाहिक में महारानी चित्रांगदा की भूमिका निभाई। उसके बाद इन्होंने टॉम अल्टर और शाहबाज खान के साथ बेताल पचीसी में अभिनय किया। यहाँ तक इनका करियर अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अचानक इनका करियर सफलता की बुलंदियों से सरकने लगा। यही कारण था इनकी फिल्में बहुत टाइम के बाद आने लगी, वो भी बी ग्रेड की। इन्होंने साल 1998 में फिल्म सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह में अभिनय किया। उसके बाद फिर साल 2001 में फिल्म कसम में बिजली का किरदार निभाती दिखाई दी। उसके चार साल बाद इन्होंने एक बार फिर सूर्यकांत फिल्म में अभिनय किया। फिर साल 2008 में भक्ति फिल्म जय मां शेरावाली में शेरमा शेरावाली का किरदार निभाकर इन्होंने हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। यहाँ तक कि लाइमलाइट से भी हमेशा के लिए दूरी बना लिया। आज वो क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। इन्होंने भले ही बी ग्रेड की फिल्मों में अभिनय किया हो, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। करियर तो एकदम से ख़त्म हो ही गया, पर फैंस आज भी इनके अभिनय के साथ साथ खूबसूरत चेहरे को नहीं भूले। इनकी मुख्य फिल्में खून भरी मांग, आकर्षण, तूफान, महासंग्राम, हातिमताई, अग्निकाल, तहलका, दिल आसना है आदि हैं। अगर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी शादी सूर्य प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुआ था जो कि NRI था और अमेरिका में रहता था। पेशे से फिल्म निर्माता और होटल का बिजनेस करता था। साल 2009 में सोनू के पति सूर्य प्रताप सिंह की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से सोनू अकेली हो गई। इनकी कोई औलाद भी नहीं है। सोनू वालिया की उम्र आज 59 साल है। दोस्तों, आपने सोनू वालिया की कौन कौन सी फिल्मों को देखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।